नताशा नामी ये खातून जो कि मुकम्मल नशे की हालत में, इनको नहीं पता कि जनाब ये गाड़ी कहाँ चला रही है, कैसे चला रही है, किस पर चढ़ा रही है। और ये कारसाज रूट पर पहले तीन बाइकों को कुचलती हैं, उन तीन बाइकों पे एक बाइक के ऊपर एक बाप और एक बेटी बैठे होते हैं, मौके पर ही बेचारी उनकी मौत वाकई हो जाती है। उसके बाद भी ये बस नहीं करती, ये तेज़ी के साथ अपनी वाइट लैंड क्रूज़र, और मैं भी बताऊंगा कि जनाब ये किस घराने से ताल्लुक़ रखती हैं, क्या क्या इनके साथ मामला थे, ये गाड़ी को ज़ोरदार तरीके से टक्कर मारती है। ग्रे कलर की वो गाड़ी होती है, वो मुकम्मल तौर पर पलट जाती है। खुशकिस्मती से कि उस गाड़ी को जो चला रहा होता है उस शख्स का जानी नुकसान नहीं होता, मतलब वो खैर वाफियत से, उसको ज़्यादा चोटें नहीं आती। उसके बाद ये गाड़ी से उतरती है, क्योंकि इनकी गाड़ी भी पलट जाती है, ये गाड़ी से उतरती है और भागने की कोशिश करती है। जो वहाँ पर लोग खड़े होते हैं वो इनको पकड़ते हैं, और उसके बाद पता चलता है कि जनाब इनका नाम नताशा है और ये नशे की हालत में धुत हैं, और इनका ताल्लुक एक पाकिस्तान के अमीर बिजनेसमैन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, आप सभी को खुश आमदीद, मैं हूँ सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया, क्योंकि ये वीडियो देखने के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला है। इस दुआ के साथ कि जनाब आप जहाँ हों खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों और तंदरुस्त हों। जनाब शहर कायद कराची में बड़ा ही खौफनाक और दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया, बड़ा खौफनाक किस्म का ये हादसा है। कराची की बड़ी मशहूर रोड है कारसाज रोड, ये शाराए फैसल को नेशनल स्टेडियम से मिलाती है। यहाँ पर एक खातून वाइट लैंड क्रूज़र लेकर जा रही थी और इन्होंने अंधाधुंध तरीके से गाड़ी चलाना शुरू की। इन्होंने कई मोटरसाइकिलों वालों को गिराया, कई लोगों को कुचला, और उसके बाद एक गाड़ी को ज़ोरदार टक्कर मारी और वो गाड़ी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। खुशकिस्मती से उस गाड़ी के अंदर जो शख्स सवार था वो बच सका, यानी उसको कोई ज़्यादा चोटें नहीं आई, उसकी ज़िंदगी को ख़तरा नहीं हुआ, लेकिन गाड़ी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। और उसके बाद वो खातून गाड़ी से उतरती हैं और भागने की कोशिश करती हैं। इस सारे वाक़े के अंदर छः अफराद ज़ख्मी होते हैं, जिनमें से तीन की मौत वाकई हो चुकी है और तीन अफराद इस वक्त ज़ख्मी हालत हैं, जिनकी हालत काफ़ी ज़्यादा तशवीशनाक बताई जाती है। ये खातून जो कि वाइट लैंड क्रूज़र चला रही थी, जब ये गाड़ी को टक्कर मारती हैं अपनी गाड़ी को मुख्तलिफ मोटरसाइकिल से, तो एक मोटरसाइकिल पर एक बाप और बेटी सवार थे। ये बाप और बेटी न जाने कहाँ जा रहे होंगे, लेकिन जब ये गाड़ी की टक्कर लगती है तब वो मौके पर ही जाँ भाग हो जाते हैं। और उसके बाद ये एक और बाइक को टक्कर मारती हैं, और उसके बाद इनकी आखिरी टक्कर होती है एक गाड़ी से, जिसके बाद ये वाइट लैंड क्रूज़र मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाती है। लेकिन ये खातून उसमें से उतरती हैं और उसके बाद ये भागना शुरू करती हैं। लोग इनको पकड़ लेते हैं, जो आसपास के लोग होते हैं वो इनको पकड़ लेते हैं, पुलिस और रेंजर्स वहाँ पर मौके पर पहुँचती है। लोग जो है इस खातून को पुलिस के हवाले करने से इनकार कर देते हैं और मोबाइलों पर भी चढ़ जाते हैं, और उनका मुतालबा ये होता है कि शायद ये पुलिस इनको छोड़ देगी, क्योंकि खातून बज़ाहिर लैंड क्रूज़र चढ़ा रही होती हैं, 1.5 से 2 करोड़ रुपये की गाड़ी है और ठीक ठाक खूबसूरत और बड़ी गाड़ी थी। और ये जो खातून जब निकलती हैं तो पता ऐसा लगता है कि जनाब ये खातून नशे की हालत में, इनका जहनी तवाज़ुन गालिबन शायद सही नहीं है। और उसके बाद जब इनको मेडिकल के लिए अस्पताल मुंतकिल किया जाता है तब असल ख़बर का आगाज़ होता है। तब पता चलता है कि जनाब इन खातून का नाम नताशा है, और जब इनको पकड़ा गया तब जो आसपास के लोग थे उनका ये कहना था, उनका ये मौक़िफ़ था कि ये खातून मुकम्मल तौर पर नशे की हालत में थी। इनको नहीं पता था कि ये गाड़ी किस तरीके से चला रही हैं, कैसे चला रही हैं, किसको मार रही हैं, किसको नहीं मार रही हैं। और उसके बाद जब इन्होंने गाड़ी को टक्कर मारी है, इनकी अपनी गाड़ी पलट गई, सामने वाली गाड़ी तो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई, और उनको लगा कि गाड़ी अब चल नहीं सकती क्योंकि गाड़ी उलट चुकी थी। उसके बाद ये गाड़ी से उतरती हैं और वहाँ से फिर भागने की कोशिश करती हैं। लोग इनको पकड़ तो लेते हैं, लेकिन उसके बाद पुलिस के हवाले किया जाता है, पुलिस इनको मेडिकल के लिए बाकायदा तौर पर मेडिकल हॉस्पिटल में मुंतकिल करती है। अब पता ये चला है कि जनाब ये जो खातून हैं इन जिनका नाम नताशा है, ये मारूफ एक ताजर हैं दानिश, उनकी ये अहलिया हैं। और ये देखने से ही पता चल रहा है कि जनाब एक अच्छे अमीर घराने से ताल्लुक़ रखती हैं। जिस तरह का ये इनका मतलब आप हुलिया आप देख सकते हैं, उससे अंदाज़ा होता है कि जनाब एक अच्छे घराने से ये ताल्लुक़ रखती हैं। लेकिन ये मुकम्मल तौर पर होश की हालत में नहीं थी, या तो ये नशे में थी या इनका जहनी तबीयत काफ़ी ज़्यादा, जहनी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। इनको जब पुलिस में बिठाया, पुलिस की वैन में बिठाया जाता है, तब भी ये लोगों के साथ बाकायदा तौर पर बदतमीज़ियाँ कर रही होती हैं। जब लोग इनको इनके खिलाफ नारे लगा रहे होते हैं, इनके साथ जो ऑब्वियसली 6 लोगों को इन्होंने कुचला है, 3 जो हैं वो मौके पर बेचारे जहाँ भाग गए। मैं अगर आपको बाइकों की तस्वीरें दिखाऊंगा ना तो आप अब देख नहीं सकेंगे, इतनी खौफनाक किस्म की बाइकों की हालत हो चुकी है। जो पीछे का नंबर प्लेट है वो आगे के मडगार्ड पे आके चिपक गया। आप सोचिए बाइक को उन्होंने इतनी ज़ोर से टक्कर मारी कि पीछे जो नंबर प्लेट लगी होती है वो आगे के मडगार्ड से आके मुकम्मल तौर पर चिपक गई थी, तो फिर इंसान की हालत क्या होगी। अब इनको क्योंकि ये अभी 2 घंटे पहले ये वाक़या पेश आया, मैं उस वक्त ऑफिस से वापस आ रहा था जब ये पूरा वाक़या हुआ, और उस वक्त जो है अभी ये खबर डेवलप हो रही है,
अभी इब्तदाई खबर आई है, अभी ये डेवलप हो रही है, पता चलेगा कि जनाब ये खातून वाकई में नशे की हालत में थी, ये वाकई में गाड़ी चलाने की कंडीशन के अंदर थी या नहीं थी, लेकिन लग ऐसा रहा है कि ये मुकम्मल तौर पर या तो ड्रंक है या नशे की हालत में। जब इनको गाड़ी बिठाया जाता है, इनके बाल बिखरे हुए हैं, इनको नहीं पता कि जनाब ये कहाँ पे जा रही हैं, किधर जा रही हैं। अच्छा, जब पता चलता है कि ये मारूफ ताजिर की अहलिया हैं, तब लोगों का ख्याल ये होता है कि अब इनको बचाने के लिए इस सारे मामले को कवर अप करने की कोशिश की जाएगी, इनको बचाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन पुलिस ने इनकी गिरफ्तारी अब डाल दी है। बाकी जो ज़ख्मी हैं उनको अस्पताल मुंतकिल किया गया, जो बेचारे जाँ भाग हो गए उनको अस्पताल मुंतकिल किया गया, उनके मोबाइल से उनके घर वालों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है, और ये कोशिश की जा रही है कि उनकी मुदैयत के अंदर पहला मुकदमा दर्ज किया जाए, पहली FIR जो है वो उनकी मुदैयत के अंदर दर्ज किया जाए, क्योंकि ये इस सारे वाक़े के अंदर मुतासरा शख्सियत है, यानी मुतासर हुए हैं, तो उनकी मुदैयत के अंदर ये मुकदमा दर्ज किया जाएगा। लेकिन अगर वो मुकदमा दर्ज नहीं करते तो फिर क्या सरकार की मुदैयत में ये केस दर्ज किया जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली तीन लोगों की जो मौत तो वाकई हुई है और तीन लोग ज़ख्मी हैं। मैं उन बाप बेटी का सोच रहा था, न जाने कहाँ जा रहे होंगे, एक लड़की जो बेटी होगी और एक मर्द जो उसका बाप होगा, ये इस वाक़े के अंदर जाँ भाग हो चुके हैं। हमारे मुल्क के अंदर बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस तरह के वाक़यात कोई नए नहीं हैं, कोई नए इस तरह के वाक़यात नहीं हैं। हमारे यहाँ अमीर कबीर घराने के लोग अपने घर के बच्चों को, बीवियों को, ख़वातीन को गाड़ियाँ तो दे देते हैं, लेकिन उनको ये नहीं सिखाते कि जनाब गाड़ी आपकी मिल्कियत है, रोड आपकी मिल्कियत नहीं है, रोड पर चलने वाले आपकी मिल्कियत नहीं है। लेकिन ये अपने पैसे के नशे में, मनशियात के नशे में, शराब के नशे में इतने अंधे हो जाते हैं कि इनको वाकई में ये अंदाज़ा नहीं हो रहा था। एक गाड़ी को इसने सिर्फ नहीं, एक गाड़ी के साथ एक्सीडेंट नहीं हुआ, इसने तीन बाइकों को कुलचा, क्योंकि सॉरी मैं कुछ बोलना चाह रहा हूँ, कुछ और मेरे मुँह से निकल रहा है, इन्होंने तीन बाइकों को जो है ना कुचला है, और बेदर्दी के साथ कुचला है। जो लोग नीचे आए, आप सोचिए उनकी क्या हालत हुई, मुकम्मल तौर पर बेचारे वो कुचल गए होंगे, मर गए होंगे बेचारे भाई। तीन अफराद ज़ख्मी हैं, उनकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक बताई जा रही है, अब खैर उनको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। बड़ा ये अफसोसनाक, बड़ा ये खौफनाक, बड़ा ये हैबतनाक किस्म का वाकया पेश आया कराची के इलाके कारसाज रोड में। बड़ी हैवी ट्रैफिक यहाँ पर होती है, ये शाहराह फैसल से नेशनल स्टेडियम का जो रोड है यहाँ पर, और यहाँ पर पौश किस्म के, ये पौश इलाका समझा जाता है, महंगे तरीन अमीर तरीन लोग यहाँ पर रहते हैं। खैर जनाब, इस बारे में आपकी राय क्या है, मैं चाहूँगा कि कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। सलमान मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त, ज़िंदगी रही, सेहत रही, आपकी दुआएं रही, तो इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। जाने से पहले गुजारिश है, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सलमान मिर्ज़ा ऑफिशियल, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। ख्याल रखिएगा अपना।